फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मां बेटी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हिरासत में लिए गए 16 लोगों में से 3 आरोपियों की पहचान हुई। मामले में एसएसपी समेत 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना के मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 15 टीमें गठित। कल राज्य के मुख्य गृह सचिव देवाशीष पांडा और डीजीपी जावेद अहमद ने घटनास्थल का मुआयना किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बुलंदशहर गैंगरेप की घटना की कड़ी निंदा की है। आयोग की सदस्य रेखा शर्मा ने पूरी घटना में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। मन की बात कार्यक्रम के 22वें संस्करण में पीएम मोदी ने कहा कि समानता और समान अवसर सरकार और समाज का सबसे बड़ा मंत्र। हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रन फॉर रियो दौड़ को दिखाई हरी झंडी। रियो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय दल को दी शुभकामनाएं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर से कमी आई है। पेट्रोल 1.42 रुपए और डीजल 2.01 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से स्थिति खराब। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकारी डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और राज्य के मध्यवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम में नदियों में पानी घटने से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। बाढ़ में 29 लोगों की जाने गई हैं। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ग्वाल पांडा का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर बिजली गिरने की ताजा घटना में 7 लोग मारे गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कल त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय और मुख्यमंत्री माणिक सरकार की मौजूदगी में त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सऊदी अरब में नौकरी से हटाए जाने के बाद गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हजारों भारतीय कामगारों को जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास भोजन उपलब्ध करा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयासों से ये संभव हो पाया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री अबीब इसिद ने सत्ता में आने के 1.5 साल के बाद ही संसद में विश्वास मत खो दिया है। अमेरिका के ल्यूक एकिंस ने 25,000 फुट की ऊंचाई से बगैर पैराशूट के छलांग लगाकर इतिहास रचा। वो ऐसा करने वाले पहले स्काई डाइवर हैं। पहलवान नरसिंह यादव ओलंपिक में खेलने जाएंगे या नहीं, इस पर फैसला आज होगा। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी नरसिंह के मामले में आज शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी। केएल राहुल की शतकीय पारी की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी स्थिति की मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 358 रन बना लिए थे। भारत की बढ़त 162 रन की हो गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज सुबह तालिबान आतंकियों ने बारूद से भरे एक ट्रक को एक गेस्ट हाउस में घुसाया। इलाके में तेज धमाके की आवाजें सुनाई दी। गेस्ट हाउस बगराम एयरबेस के नजदीक है। तालिबान ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।